और चलिए बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जैसे जिंदगी की सांसों पर चोट करने को तैयार है। दिल्ली और करीबी इलाके जानलेवा हवा से जीने पर दूभर हैं। और थोड़ी देर पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले की वकालत की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन दिल्ली के छोटे आकार का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि पूरे एनसीआर में पाबंदी का असर ज्यादा होगा। साथ ही केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है और सड़क से उठे प्रदूषण का असर ज्यादा है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष मिश्रा और कुमार कुणाल। सबसे पहले आशुतोष, आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा था जो पिछली सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाई गई थी। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया था, राज्य सरकार से भी, लेकिन अब केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी लॉकडाउन लगना होगा। क्या जानकारी? ये एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, और अभी भी सुनवाई उस पर चल रही है। और इस सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की ओर से आए हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए कई सारे मेथड हैं, और कल ही ग्रेप जो है, ग्रेड रिस्पांस टीम है, वो ऑलरेडी एक्शन में है। कल ही जो है कमीशन इंक्वायरी मैनेजमेंट की जो बैठक हुई थी उसमें भी कुछ फैसले लिए गए हैं, और तमाम एनसीआर राज्यों में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ऑड इवन भी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन अभी कुछ दिन इंतजार करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली एक छोटा सा पॉकेट है, यहाँ अपने जो घरेलू कारक हैं वो हैं जिसमें बायोमास का जलना है, गाड़ियों का प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है, डस्ट पोल्यूशन है, लेकिन इनके अलावा अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि ठीक अभी जो 15-20 दिनों से स्थिति देखी कि AQI जो 200-300 रहता है वो अचानक 1000 तक पहुंच जाता है, 600-700 तक पहुंच जाता है। तो इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि अगर आपको प्रदूषण पर वाकई ठोस कदम लेना है, लॉकडाउन जैसी अगर मान लीजिए एक्शन लेना भी है, तो सिर्फ दिल्ली में करने से नहीं होगा, बल्कि चूंकि पैन एनसीआर ये पूरी समस्या है, इसलिए पूरे एनसीआर में लेना होगा। फिलहाल अभी भी बहस जारी है, सॉलिसिटर जनरल भी उस पर अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार कहा जा रहा है कि अगर इमिशन की दिक्कत है गाड़ियों की, तो क्यों ना सड़कों पर गाड़ियों को 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाए, और अगर दूसरे कारक हैं जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं तो उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सभी सरकारों से जवाब पूछ रहा है। कुमार कुणाल भी जुड़े हुए हमारे साथ। कुमार, शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि तालाबंदी करना एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पर व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है, तो क्या प्लान बनाया गया है, प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली सरकार ने क्या तैयार किया है प्रदूषण से निपटने के लिए? देखिए कई तरीके के इसमें चरणबद्ध है, इसमें ऐसा नहीं है कि सीधे से दिल्ली को बंद कर दे। जो पहला चरण है वो आज से लागू हो गया है, और उसमें जो स्कूल है उसको पूरी तरह बंद कर दिया गया है, सरकारी दफ्तरों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य है वो 17 तारीख तक यानी बुधवार तक वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो ये पहला चरण है, अगर इससे भी हालात बेहतर नहीं होते हैं तब अगले चरण में जाना होगा जिसमें ऑड इवन लागू करने पर विचार हो सकता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी रास्ता बचेगा वो होगा आपके पास। राजधानी दिल्ली लगातार प्रदूषण की मार झेल रही है, धूल धुआं की वजह से बने स्मॉग के चलते दिल्ली की हवा बेहद खराब है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन की शिकायतें आ रही है। धूप और हल्की हवा ने दिल्ली को जहरीली हवा से थोड़ी राहत दी है, आसमान में छाई धुंध कम हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है, लेकिन सेहत के लिए ये भी बेहद खतरनाक स्तर है। राजधानी में पिछले 4 दिनों के एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा देखें, 11, 12 और 13 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था, आज दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं के चलने से 2 से 3 दिन स्मॉग से राहत मिल सकती है। स्मॉग आज काफी कम है, मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं और धूप निकल रही है, इस वजह से जो स्मॉग की चादर है वो दिल्ली में आज काफी कम है, इसलिए अक्षरधाम आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन
हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। हाल यह है कि घर के बाहर हो या अंदर, दिल्ली की दम घोटू हवा से कहीं भी राहत नहीं है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ आजकल रेड बुल महिला बैडमिंटन का टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से महिला खिलाड़ी आई हैं। ये इंडोर स्टेडियम है, लेकिन यहाँ भी प्रैक्टिस के दौरान सांस जल्दी फूलने लगती है और आंखों में जलन होने लगती है। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है और दिखता बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखता है। आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी बहुत। आउटडोर वी गो फॉर ट्रेनिंग। ओके, तो उस टाइम विजिबिलिटी कैसा रहता है? इन अर्ली मॉर्निंग इट्स जीरो अनलेस अंटिल देयर इज सनशाइन इन द इवनिंग और एन आफ्टरनून टाइम। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर का पूरा इलाका इस वक्त प्रदूषण की मार झेल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की हवा भी कम जहरीली नहीं है। आंकड़े देखिए, गुरुग्राम को छोड़कर बाकी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा है। तय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना जिंदगी नहीं मौत का सौदा है। ये जहरीली हवा हर उम्र के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण का शिकार होने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत बढ़ाने वाली है। कि जो पोल्यूशन का लेवल है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और हमने देखा है कि पोल्यूशन की वजह से काफी सारे जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक स्तर पर होने की वजह से बुजुर्गों में, बच्चों में, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में, और वो पेशेंट जिनको कि सांस की तकलीफ है या वो पेशेंट जिनको कि पहले से कोविड हो चुका है, उनकी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमने देखा है कि हमारे इमरजेंसी में, ओपीडीज में और वार्ड्स में कुछ पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको कि सांस में तकलीफ हो रही है, जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कंप्रोमाइज हो रहा है, डिप हो रहा है, और उनको हमें इवन नेबुलाइजेशन करने की आवश्यकता हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं। हम अगर न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स से जाते हैं, जैसे वेदर प्रेडिक्शन का जो मॉडल्स हैं, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। विंड्स काम रहेंगे, 10 नॉट के बिलो विंड स्पीड रहेगा और थोड़ा नॉर्थ वेस्टली विंड प्रिवेल करेगा दिल्ली के ऊपर। जहां तक सवाल है विंड स्पीड का, अगर 10 नॉट के कम विंड स्पीड का बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एटमॉस्फेयर है। इसमें बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आएगा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग हर साल इस परेशानी से जूझते हैं। हर साल प्रदूषण कम करने को लेकर चलने वाली बहस और चर्चा समय की धुंध में गुम हो जाती है। अमरदीप कुमार के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। धर्म और भोले की नगरी काशी में आज उत्सव जैसा माहौल था। 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा की काशी धाम में वापसी हुई भव्य शोभा यात्रा काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर पहुंची। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मां की प्राण प्रतिष्ठा की। विधि विधान के बीच मंदिर में मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गूंज उठा। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस वक्त मां की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब काशी की गलियां झूम उठी, भक्ति और आस्था की हिलोरें उठी, काशी में आज उत्सव मना। परदेश से अपने घर लौटी मां अन्नपूर्णा। शक्ति की धाम वापसी पर बिखरे खुशी के रंग। ये खुशी है काशी के पूर्णता प्राप्त करने की, ये उल्लास है मां भगवती के 108 साल के बाद अपने ही घर, अपने ही धाम लौटने का।
बाबा भोलेनाथ का दिन सोमवार आज काशी से लेकर विश्वनाथ मंदिर तक मानो उत्सव मन गया। काशी के लिए ये बड़ा दिन था। माँ के धाम वापसी का गवाह बनने के लिए मौजूद थे हजारों लोग। आस्था के साथ जोश था, भक्ति के साथ खुशी थी। बनारस की गलियों में शोभा यात्रा के बाद आखिर माँ अपनी मंजिल पर पहुंची। मंजिल था बाबा का धाम विश्वनाथ मंदिर। पालकी में सवार होकर माँ अपने धाम की तरफ बढ़ी। माँ की अगवानी के लिए उनकी पालकी को कंधा देने के लिए खुद यूपी के सीएम योगी आगे आए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान का ध्यान रखा गया। माँ को गंगा जल से स्नान कराया गया। माँ को नए वस्त्र और गहने चढ़ाए गए। पूरे भक्ति भाव से सीएम योगी ने खुद माँ की पूजा अर्चना की। पूरा बाबा विश्वनाथ मंदिर मंत्रों की मधुर ध्वनियों से गूंज उठा। शंख घंटे घड़ियाल और डमरू बज उठे। बाबा विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत पुरोहितों के समूह की अगुवाई कर रहे थे। पूरे मंदिर परिसर में मां के जयकारे गूंज रहे थे। सीएम योगी समेत तमाम मौजूद लोगों ने मां की जय जयकारी की। पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाज के साथ मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। धन्य हो गई काशी, धन्य हुआ बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर। काशी की पूर्णता का यह उत्सव लंबे वक्त तक लोगों को याद रहेगा। चित्रा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लग गई। आज तक आपको करा रहा है मां अन्नपूर्णा के पहले दर्शन। तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आपको दिखा रहे हैं, देखिए। हम चाहेंगे कि बिल्कुल सामने से, हिमांशु आप आइए, हम कोशिश कर लेते हैं, बिल्कुल सामने से जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है मूर्ति की, वो हम दिखाएं अपने कैमरे से। और यहाँ पर हमारे जितने भी आज तक के दर्शक हैं, थोड़ी सी जगह दीजिए, वो तमाम दर्शक हमारे देख पाएंगे। अन्नपूर्णा माता जो धन धान्य अन्य से भरा रहे भंडार, कभी उसकी कमी ना हो, इसकी लगातार उनकी ओर से कोशिश की जाती रही है। माता रानी से इसी बात का आशीर्वाद उनके भक्त मांगते हैं। मैं चाहूंगी एक बार हमारे कैमरामैन को जाने दीजिए अंदर। हिमांशु आप अंदर जाइए। और आज तक के हमारे दर्शकों के लिए ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए दरअसल हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। माता रानी को चुनरी पहनाई गई और उसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से चांदी का मुकुट भी चढ़ाया गया है। माता रानी को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया है। और मैं पुजारी जी हमसे बात करती हूँ, कैसे बताएंगे माता रानी के बारे में आप? माता रानी देखिए कनाडा से आई हुई है, 107 साल पुरानी है, 107 साल बाद आई हुई है। आज हमारे योगी जी माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया, षोडशोपचार पूरा पूजा हुई और विधि पूर्वक प्रतिष्ठा हुआ। माँ अन्नपूर्णा किन किन रूपों में पूजी जाती है, माँ के बारे में और क्या जानकारी देंगे? हमारे भगवान शंकर जी को अन्नदात्री हैं, ये शंकर जी भी ने भिक्षा मांगा था और पूरे काशी को भिक्षा देने वाली माता रानी है, इसी रूप से पूजी जाती है। भगवान शंकर ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी जी, माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगा था। अच्छा जी, ये कितनी पुरानी मूर्ति है और किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी? 107 साल पुरानी मूर्ति है, 107 साल पुरानी मूर्ति, 107 साल पुरानी। चोरी हो गई थी मूर्ति, कनाडा चली गई थी, जिसके बाद सही चोरी गई थी। कौन से मंदिर से चोरी हुई थी? यही हमारे काशी के मंदिर से चोरी हुई थी, यही काशी विश्वनाथ जो मेन मंदिर है वहीं से चोरी हो गई थी। और गुरुजी से हमारी जानकारी ले लीजिए। गुरु जी हम चाहेंगे आप आइए जानकारी देने के लिए। सदा पूर्ण शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवासी भक्ताश्च
स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवान विश्वनाथ मानपूर्णा को दोनों को अनुरासित संबंध है दोनों में। माता रानी को चांदी का मुकुट भी पहनाया गया है यहाँ पर, हाँ, उसके बारे में बताइए किस तरह से श्रृंगार किया गया है। बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इनका सब श्रृंगार करवाए हैं और हम सारे पुजारीगण मिलकर के इनका। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है आप बताइए, कैसे प्राण प्रतिष्ठा भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की ओर से की गई है। आज हम लोगों का परम सौभाग्य का अवसर है कि विगत 100 वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद माता अन्नपूर्णा अपने धाम में पधारी हैं। उनका हम लोग ने काशीवासी तथा पूरे भारतवर्षियों ने हर्षोल्लास के साथ में उनका स्वागत किया है। तो माँ अन्नपूर्णा के घर बैठे दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। माँ अन्नपूर्णा के कनाडा से काशी तक के सफर में आस्था के तमाम रंग दिखे। पहले प्रतिमा को कनाडा से दिल्ली लाया गया, असली उल्लास दिल्ली से यूपी तक दिखा। आपको बता दें कि यूपी के 19 शहरों में बीते 4 दिनों से भक्ति भाव से लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। इस पूरे सफर की शानदार झलकियां आपको दिखाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा आज होने जा रहा है, पूरी काशी की जनता बहुत ही बहुत धन्यवाद मोदी जी को देना चाह रहा है। पूरा काशी जलमग्न हो चुका है, पूरे सभी लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, हम सभी लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा है। जय मां अन्नपूर्णा, जय काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। हम लोग आज बहुत खुश हैं कि जो इतने साल से नहीं हुआ आज मोदी जी के राज में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। 108 वर्षों के बाद माता अन्नपूर्णा अपने गृह जनपद लौट रही है। एक सौ आठ बरस का वक्त कम नहीं होता। आखिर इतने वक्त के बाद बनारस की धरती पर लौटी मां अन्नपूर्णा के दर्शन बनारस वाले आज कर पाए। लेकिन यूपी के कई जिलों के भक्त पहले ही मां के दर्शन कर धन्य हो चुके हैं। 4 दिनों में यूपी के लिए 19 जिलों में उत्सव जैसा माहौल था। जहां जहां से मां की शोभा यात्रा गुजरी वहां आस्था के अनूठे रंग बिखरे। दिल्ली से चलकर 19 जिलों से मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा गुजरी थी। दिल्ली से जब मां की प्रतिमा अपने घर यानी बनारस के लिए चली तो शोभा यात्रा में 3 रथ शामिल थे। पहले रथ को मंदिर में रूप दिया गया, दूसरे में भजन कीर्तन और तीसरे में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। पूरे सफर में भक्ति के रंग धरती से लेकर आसमान को सराबोर करते रहे। दिल्ली के बाद सफर में आया नोएडा और गाजियाबाद। हर जगह भक्त जोश में दिखे, भक्ति का ज्वार उमड़ता दिखा। अलीगढ़ और हाथरस में सड़कों के दोनों तरफ भक्तों का हुजूम लगा था। हर कोई बस मां की एक झलक पा लेना चाहता था। स्वागत में नेताओं से लेकर आम भक्त तक हाथ जोड़े खड़े थे। आखिर मां अपने धाम लौट रही थी। काशी के लिए चली मां की मूर्ति जब कानपुर पहुंची तो बिरहाना रोड स्थित माता तपेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। लोगों ने यहां भी माता अन्नपूर्णा की पूजा आरती की। यूपी की राजधानी लखनऊ के भक्त भी पलक पावड़े बिछाकर मां का इंतजार कर रहे थे। शोभा यात्रा लखनऊ की अहम सड़कों से गुजरी, जगह जगह स्वागत हुए। शंख बजे और घड़ियाल बजाकर मां की भक्ति भाव से आरती उतारी गई। और इस शानदार भक्ति यात्रा का आखिरी पड़ाव और मंजिल था बाबा भोले की नगरी काशी। कनाडा से मां का सफर अपने घर पर खत्म हुआ तो काशी में भक्तों की खुशी और उल्लास हिलोरे मार रहा था।
पूरी काशी सजी थी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर सजा था, माँ भगवती के स्वागत के लिए धार्मिक नगरी की गली गली आतुर थी। और माँ अन्नपूर्णा की ये शाही सवारी निकल पाई है अपने आप में बेहद अद्भुत। आज का दिन, आज की ये तारीख वो इसलिए क्योंकि एक तरफ विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिसका अगले ही महीने लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। वही वो रथ है क्योंकि पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है वो लोगों से अटा पड़ा हुआ है। वही वो रथ है, उसके ठीक आगे हमने तस्वीरें भी भेजी है। माँ अन्नपूर्णा की 100 साल पहले इसी बनारस से चोरी हो गई थी वो मूर्ति, जिसके बाद कनाडा के एक संग्रहालय में वो रखी हुई थी। जैसे ही भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी मिली, उस मूर्ति को ले आने का प्रयास काफी तेजी से चला और उसके बाद 100 सालों के बाद ये मूर्ति दिल्ली लाई गई। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुछ शहरों में 2 दिन तक हिंसा की आग जलती रही, जमकर उत्पात मचाया गया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि त्रिपुरा में महज एक अफवाह की चिंगारी 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में आग कैसे बन गई। महाराष्ट्र के कई शहरों से आई हिंसा की इन तस्वीरों को देखकर अफसोस तो हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी और परेशानी भी। कहीं की चिंगारी और कहीं फैली आग। त्रिपुरा में हिंसा की महज अफवाह पर महाराष्ट्र के 4 जिलों में उत्पात मचाया गया। अमरावती, नांदेड़, नासिक और वाशिम जिलों में शुक्रवार को आगजनी और तोड़फोड़ हुई, जिसका असर शनिवार को भी सड़कों, गलियों और बाजारों में दिखा। सवाल है कि अगर त्रिपुरा में कुछ हुआ भी है तो उसकी प्रतिक्रिया वहां से 3,500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में क्यों दिखाई दे रही। सवाल है कि क्या सिर्फ अफवाह की आड़ में चंद संगठन अपनी मनमर्जी से महाराष्ट्र में हुड़दंग मचा रहे हैं। सवाल है कि जब महाराष्ट्र में हिंसा हो रही थी तो कहां था पुलिस प्रशासन। सवाल है कि क्या राज्य का खुफिया तंत्र सुनियोजित हिंसा के धुएं को नहीं देख पाया। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में 2 दिन की हिंसा वहां की सरकार की नाकामी है। इन तमाम सवालों का जवाब जानना हिंसा की आग को ठंडा करने के लिए जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की हिंसा में न सिर्फ लाखों का नुकसान हुआ है बल्कि 2 संप्रदायों में आपसी रिश्ते को भी चोट पहुंची है, उसमें शक की दरार पैदा हुई है। त्रिपुरा में जो हुआ वो एक शुद्ध रूप से सांप्रदायिक सियासत की साजिश है और जिस तरह से फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानियां गढ़ करके पूरे देश के माहौल को खराब करने की साजिश की गई और उस साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के जो थके हारे हताश निराश लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश को बांटने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जरूर हम जांच करेंगे कि जो त्रिपुरा में घटना हुई नहीं हुई और उसके कारण जो निषेध करने के लिए जो मोर्चे महाराष्ट्र में हुए और उसमें जो नुकसान हुआ इसकी जांच हम करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे की बात बताऊंगा। फिलहाल महाराष्ट्र के चारों हिंसाग्रस्त जिलों में शांति है, लेकिन तनाव का एहसास भी है। हैरानी ये भी है कि जब शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम संगठनों के बंद के दौरान हिंसा हुई तो शनिवार को सियासी प्रदर्शन पर सख्ती क्यों नहीं बरती गई। जब सवाल सियासतदानों से पूछा गया तो जवाब में वो खुद सवाल दागने लगे। अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, कर्नाटक में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र क्यों। हमेशा की तरह हिंसा और अपराध के बाद सरकार, प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी एक बनी बनाई स्क्रिप्ट की तरह नजर आती है। जांच होगी, सख्ती बरतेंगे, किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। स्थानीय सांसद नवनीत राणा 2 दिन बाद अमरावती में हालात का जायजा लेने पहुंची। मुझे लगता है कि ये पहली बार मैंने मेरे 10 वर्षों के पीरियड में देखा, हमारे अमरावती में बहुत बड़ा भाईचारा है, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से रहता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट हमने बंद करके उस चीज़ को स्टेबल करने की कोशिश की, आगे भी हम हैंडल करेंगे कि ऐसी सिचुएशन कभी अमरावती में ना आए। पर जो लोकली
यहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर है, उनका ये सबसे बड़ा फेलियर दिखता है कि सिचुएशन को हैंडल करना उन्हें आता नहीं है। शुक्रवार और शनिवार के दिन हुई हिंसा की घटनाओं के बाद अमरावती में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेंसिटिव इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने आम जनता से अपील करी है कि वो शांति बनाए रखे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने यह भरोसा दिलाया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कुल मिलाकर प्रशासन का कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है लेकिन नियंत्रण में है। अमरावती में कर्फ्यू लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसकी नौबत आई ही क्यों? क्यों अफवाह की आग फैलने दी गई? क्यों सियासत की हवा ने आग को त्रिपुरा से पौने 3000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक पहुंचाया? हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। अमरावती में धनंजय सांबले और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात क्रूज ड्रग्स केस की। इस केस का अहम किरदार सैम डिसूजा पहली बार कैमरे पर सामने आया है। सैम डिसूजा वही शख्स है जिसका नाम पहली बार प्रभाकर सैल ने लिया था। इस मामले में जांच कर रही एनसीबी विजिलेंस टीम ने गवाह सैम डिसूजा का बयान दर्ज किया है। आज तक ने सैम से एक्सक्लूसिव बात की। आर्यन खान ड्रग्स केस में उस रात को जब आर्यन खान को डिटेन किया गया था 2 अक्टूबर के दिन, तो पैसे का कुछ लेन देन हुआ था। उस पैसे के लेन देन में कई लोग इन्वॉल्व थे। मनीष भानुशाली का नाम सामने आया, केपी गोसा भी सामने आया, प्रभाकर साइल, सुनील पाटिल, उसमें एक शख्स है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा इस वक्त हमारे साथ में है। उन्होंने एनसीबी की विजिलेंस टीम को दिल्ली में स्टेटमेंट इस पूरे मामले में दे दिया है। सैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम कब सामने आया, जब प्रभाकर साइल ने यह कहा कि पैसे लिए गए थे आर्यन को डिटेन करने के बाद, उस पैसे के लेन देन में केपी गोसावी एक्टिव थे ही, पूजा ददलानी से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन केपी गोसावी की जिस शख्स से बात हो रही थी 25 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी के लिए, वो सैम डिसूजा थे, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना? अभी सर मैं जैसे बताया आपको, ये देखो ये मेरा कंप्लेन है 2 तारीख का, ओके, और मैंने जो चीज इसमें बताया है कि किरण गोसावी ने नाम चेंज कर, जो प्रभाकर साहिल ने नाम चेंज करके इन्होंने बात की, अब ये बेसिस पे मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं उससे बात कर रहा था? ही हैज एनी वैलिड प्रूफ? इनफैक्ट दिस इज द फैक्ट दैट ही वाज डूइंग 420, ये चीटिंग कर रहा था बाय इंपर्सोनेट, वो किसी अधिकारी को उसका नाम से बात करना, मतलब इट्स अ क्राइम। बिल्कुल, आपका ये कहना है कि केपी गोसावी ने प्रभाकर साहिल का नंबर SW सेव किया था और वांकडे 2 करके सेव किया था, और उसके बाद मेरे को तभी रियलाइज नहीं हुआ, पर जब मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है तब मेरे को ये क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने वो पॉपअप देखा। और अगर आज 14th हो गया, आज 13th को उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें कबूल किया उसने कि बहुत ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने किया था, तो इसमें मेरा नाम, मतलब मेरे को ऐसे ही, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि मेरा नाम क्यों लिया गया था। इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना भी आपको लगता है कि कोई ये चीज नहीं करना चाहेगा, सारा पूरा मामला ड्रग्स केस और पैसे का लेन देन? नहीं, अभी कैसा है, ये पैसे का लेन देन तो मेरा इंटेंशन था नहीं, मेरे को किसी ने बताया, तो अभी मैं कोई मीडिया टाइकून को जानता हूँ जिसे प्रदीप नाम्बियार है और उनके अच्छे संबंध है, तो उनके थ्रू मैं हेल्प कर रहा था। अब उसके आगे उनका क्या रोल है वो मुझे नहीं मालूम, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो अब इवेंचुअली सब मालूम पड़ ही जाएगा। सेम डिसूजा जिनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।